ठीक है, तो हमने स्टमक की बात की थी। स्टमक में हमने कहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, लेट अस से इस तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, राइट, ये इनके ग्लैंडुलर सेल्स है। ये पूरी ग्लैंड है मल्टी सेलुलर, एंड दे हैव दीज सेल्स इस तरह से। ठीक है, तो कौन कौन से सेल्स है? एक है पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स, दूसरे हमने बताए थे ऑक्सेंट्रिक सेल्स, ऑक्सेंट्रिक सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज पेराइटल सेल्स, और तीसरे हमने बताए थे गोब्लेट सेल्स। गोब्लेट सेल्स को हम म्यूकस नेक सेल्स भी कहते हैं, म्यूकस नेक सेल्स और गोब्लेट सेल्स। दिस यू नो, HCl प्लस यस सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये डिफरेंट प्रोएंजाइम्स, गैस्ट्रिक अमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सिक्रीट करते हैं। और ये याद रखना है, ये दोनों वीक एंजाइम्स है। व्हाई दीज आर वीक एंजाइम्स? बेटा एक मिनट, हेलो, हाँ जी बेटा, आजा फटाफट, मैं एक मिनट, मैं देखती हूँ। ओके ठीक है, ओके, हाँ जी। तो जो ये गैस्ट्रिक लाइपेस है एंड गैस्ट्रिक अमाइलेस है, वीक एंजाइम्स है, एज दे डू नॉट एक्टिन एसिडिक मीडियम, या दीज आर नॉट मच फंक्शनल इन एसिडिक मीडियम, इसलिए जो है, और यहां पे तो बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम है, राइट? और HCl इट प्रोवाइड्स pH ऑफ 1.8, हाईली कंसंट्रेटेड pH ऑफ 1.8, ठीक है, एंड दिस 1.8, दिस इज ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन। पेप्सिन जो है मैक्सिमम फंक्शन कर रहा है 1.8 पे, दिस इज मोस्ट एसिडिक एंजाइम। दिस इज मोस्ट एसिडिक एंजाइम, ऑल्दो जो रेनिन है वो भी एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है, बट पेप्सिन जो है मोस्ट एसिडिक एंजाइम है, और कितने पीएच पे? 1.8 to 2 pH पे काम करता है मैक्सिमम। और ये इट सिक्रीट्स म्यूकस, प्रिवेंट्स एक्सकोरिएशन ऑफ द स्टमक वॉल, मतलब डीजेनरेशन ऑफ द स्टमक वॉल बाय प्रोटीएज एंड HCl। ये फंक्शन है स्टमक में फूड रिमेन्स इन स्टमक फॉर 4 to 5 hours, तब भी हम जो है, हम हर 2 1.5 2 घंटे बाद हमें ऐसे लगता है हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। भूख नहीं लगती है बेटा, सिर्फ हमारी नियत ही है कि बस चलो वेले बैठे हैं, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ।
अदरवाइज ऐसा ही होता है ना, ठीक है? तो हमें 4 से 5 घंटे तक, जो हमने एक बार खाना खा लिया वो 4 से 5 घंटे तक स्टमक में रहता है। मैम हाँ जी बेटा, वो बताना है आपने क्या बताया, गॉबलेट सेल्स प्रिवेंट क्या करते हैं? मैंने थोड़ा सा ये आपकी जो एनसीईआरटी में टर्म है एक्सकोरिएटिंग, एक्सकोरिएशन, वो टर्म यूज की है, ठीक है? एक्सकोरिएशन का मतलब है जो डीजेनरेशन होती है, एचसीएल क्या करेगा, स्टमक की वॉल को डिसॉल्व कर देगा, तोड़ देगा, उससे बचाने के लिए म्यूकस काम करता है। इज इट ओके? ठीक है, तो म्यूकस प्लस एक और लिख लो, बायकार्बोनेट आयन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, म्यूकस एंड बायकार्बोनेट आयन्स प्रेजेंट इन द, यू नो, प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, ये एच नहीं है, एक्सकोरिएशन, एक्सकोरिएशन ऑफ प्रिवेंट्स, एक्सकोरिएशन ऑफ वॉल ऑफ स्टमक बाय हाईली कंसेंट्रेटेड एचसीएल, ये उसके ऊपर एक लाइनिंग बना देता है, ठीक है? अनदर इज सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड इन स्टमक इज कॉल्ड एज काइन, सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड इन स्टमक इज कॉल्ड एज काइम, विच इज पास्ड इन टू, विच इज पास्ड इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू पेरिस्टेल्सिस। यहां पे एक बॉक्स में लिख लेना, मूवमेंट्स इन एलिमेंट्री कैनाल, कौन कौन सी मूवमेंट्स है? फर्स्ट है चर्निंग मूवमेंट्स, जैसे हम लस्सी बनाते हैं, है ना, चीनी डाल के, दही डाल के, फिर चर्न करते हैं, ब्लेंड करते हैं, दैट आर चर्निंग मूवमेंट्स। तो ऐसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी चर्निंग मूवमेंट्स है। क्यों चर्न करते हैं? ताकि जो भी है, पानी है, दही है, चीनी है या नमक है, वट एवर इट इज, वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। इसी तरह से ये जो चर्निंग मूवमेंट्स है, इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, और दूसरा है पेरिस्टेल्सिस। इट हेल्प्स इन पुशिंग डाउन द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टेल्सिस हेल्प्स इन पुशिंग डाउन द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, एंड बोथ चर्निंग मूवमेंट्स एंड पेरिस्टेल्सिस, दीज अकर्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपथेटिक प्रमोट्स दीज मूवमेंट्स, सिंपथेटिक इनहिबिट दीज मूवमेंट्स।
नेक्स्ट हमने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम रिसीव्स सिक्रीशंस ऑफ फर्स्ट है लिवर एज बाइल, फिर है पेनक्रियाटिक जूस और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस। ये सब ड्यूडिनम रिसीव करता है। बाइल, बाइल में क्या प्रेजेंट है? बाइल पिगमेंट्स, एंड बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। दोनों आए कहां से? दीज आर फॉर्म्ड बाय द यू नो ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। दोनों जो है ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन के। उसके बाद है बाइल सॉल्ट्स, कौन कौन से है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। दीज आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ये जो तीनों है इनका क्या फंक्शन है? दे प्रोवाइड या दे हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइंड। दे हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइंड। इन दोनों का क्या काम है? दे गिव कलर टू फीसेस। इनका और कोई काम नहीं है। तो सबसे पहला है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइंड। दूसरा फंक्शन है दैट इज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा। इमल्सिफिकेशन क्या है? ये फैट ग्लोब्यूल है बड़ा सा, इट इज ब्रोकन इंटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसका तो इतना सरफेस एरिया, इनका काउंट करोगे या मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो दे हैव मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वन लार्ज ग्लोब्यूल। और सरफेस एरिया बढ़ाने का क्या मतलब है? कि अब यहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज इजीली एक्ट करेगा। सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स फंक्शन क्या है? दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल माइसिल्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मोर एक्शन ऑफ यू नो पेनक्रियाटिक लाइपेस। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या है? दैट इज एक्टिवेट्स लाइपेसेस। बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन है दे एक्टिवेट लाइपेसेस, राइट? एंड देन अनदर इज दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट्स। राइट, तो और क्या है इसमें? बाइल पिगमेंट्स है, बाइल सॉल्ट्स है, साथ में कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा सा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल
एंड सम अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट्स है, ये तो दो मेन है, साथ में कोलेस्ट्रॉल है और फॉस्फोलिपिड्स है, बट देयर आर नो डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, इज इट ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेनक्रियाटिक जूस पे। पेनक्रियाटिक जूस इट हैज प्रोएंजाइम्स एंड एंजाइम्स अलोंग विद फ्यू सॉल्ट्स आल्सो। प्रोएंजाइम्स कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस। एंजाइम्स कौन से हैं? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, इसको हम और क्या बोलते हैं, अमाइलोप्सिन। देन पेनक्रियाटिक लाइपेस, अनदर इज न्यूक्लियेसेस सच एज डीएनएस, आरएनएस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस। ये प्रेजेंट है एंजाइम्स। और सॉल्ट्स कौन से है? दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिनोजन, ये सबके सब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाटिक जूस इज पोर्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद वहां पे क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम है एंटीरोकाइनेस, और एक्टिव हो जाता है ट्रिप्सिन में। पेनक्रियास में नहीं, इंटेस्टाइन में होगा। काइमोट्रिप्सिनोजन अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में बट विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन गेट चेंज्ड इनटू काइमोट्रिप्सिन। अनदर इज प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। ये तीन एंजाइम्स है, और ये तीनों के तीन क्या है? प्रोटीएसेस। बस इसमें से सबसे इफेक्टिव प्रोटीएज कौन सा है? इट इज ट्रिप्सिन, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव प्रोटीएज कौन सा है? ट्रिप्सिन है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अमाइलेजेस। अमाइलेजेस किस पे एक्ट करते हैं? स्टार्च पे, और इसको किस में तोड़ते हैं? दैट इज डेक्सट्रिन्स, स्मॉल चेन्स ऑफ ग्लूकोज
प्लस माल्टोज। ठीक है जी, लाइपेजेस, लाइपेजेस ब्रेक्स, यू कैन से दे एक्ट ऑन माइसिल्स, छोटी छोटी माइसिल्स ऑफ लिपिड्स, और ये किसमें, ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स में क्या है, ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड्स। तो इन्होंने क्या किया, एक फैटी एसिड निकाला और साथ में ग्लिसरॉल, यू कैन से थ्री फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ये काम किया लाइपेजेस ने। उसके बाद डीएनए या आरएनए को किस पे, किसने एक्ट किया, न्यूक्लियेजेस ने, और क्या बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी, हम एक बार ये चेक कर लें कि जो है, ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है इन पे किसने एक्ट किया, न्यूक्लियोटाइडेजेस, और ये किस में टूट गए, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ये काम हो गया प्रोएंजाइम्स एंड एंजाइम्स का। सोडियम कार्बोनेट, इट अगेन क्या काम है इसका, इट न्यूट्रलाइजेस एसिडिक काइन। ठीक है, वेरियस पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, वेरियस न्यूट्रलाइजेशन क्यों चाहिए, वेरियस पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड द इंटेस्टाइनल एंजाइम्स वर्क्स एट एल्कलाइन पीएच, वर्क्स एट एल्कलाइन पीएच ऑफ अबाउट 7.8। इज इट ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो कॉल्ड एज सकस एंटेरिकस, दीज आर सेक्रेटेड बाय टू इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुल। जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स है, दीज आर, मैंने आपको बताया था, सब म्यूकोसल इन ओरिजिन, वेयर एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुल ये म्यूकोसल है। म्यूकोसल इन ओरिजिन, ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टिनल जूस या सकस एंटेरिकस, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स है, डेक्सट्रिनेस, माल्टेज,
डायपेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, सुक्रेस, लैक्टेस, एंटीरोकाइनेस, देन इंटेस्टाइनल लाइपेस ऑल्सो विच इज ऑल्सो इन वीक एंजाइम. ठीक है जी. सो दीज आर द वेरियस एंजाइम्स सिक्रीटेड बाय इंटेस्टिनल जूस. ठीक है जी. तो अब हम डाइजेशन कर लें कि डाइजेशन कैसे होती है. सबसे पहले हम आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हम कौन से खाते हैं? सबसे ज्यादा हम खाते हैं स्टार्च, क्योंकि हम प्लांट डाइट लेते हैं और प्लांट्स में स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च है. और हम और क्या खा दे लेते हैं? माल्टोस खाते हैं. अगर हम चीनी खा रहे हैं तो सुक्रोज खाते हैं. मिल्क पी रहे हैं तो लैक्टोस है. और सिंपल शुगर्स विच डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन, जो हम खा रहे हैं वो क्या है? फ्रूट्स में से हमें मिलता है फ्रक्टोस और कुछ में से हमें मिलता है ग्लूकोस. ठीक है. तो ये है शुगर्स वी ईट. तो क्या है? सबसे पहले आया सलाइवरी अमाइलेज. रिमेंबर दैट इट फंक्शंस एट पीएच 6.8. इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च. कितना? 30% ऑफ टोटल स्टार्च वी ईट इनटू माल्टोस प्लस डेक्सट्रेंस. Why only 30%? Because food remains in the mouth for only, you know, small time, थोड़े time के लिए. Salivary amylase in buccal cavity. Salivary amylase inactivates या inactivated in stomach. क्योंकि HCl है तो वहां पे इनएक्टिव हो जाता है. उसके बाद नो डाइजेशन ऑफ शुगर्स इन स्टमक. फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम में अगेन रेस्ट ऑफ स्टार्च. 70% ऑफ टोटल स्टार्च इस पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज. अगेन इसको किस में तोड़ा? डेक्सट्रिंस एंड माल्टोस. ठीक है जी. उसके बाद फिर आ जाता है डेक्सट्रिंस
इस पे एक्ट किया डेक्सट्रिनेस, और ये माल्टोस प्लस ग्लूकोस। माल्टोस हम खा भी रहे हैं, बन भी रहा है, एंजाइम है माल्टेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, इंटेस्टिनल जूस में है, ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस। देन सुक्रोस, चीनी हम खाते ही है, इतने सारे हम डेजर्ट्स खाते हैं, सो एंजाइम इज सुक्रेस या इनवर्टेस, एक ही बात है, ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। सुक्रेस इसी का नाम है, इनवर्टेस यहां पे बनेगा ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस। उसके बाद है लैक्टोस, मिल्क शुगर, एंजाइम है इंटेस्टाइनल लैक्टेस, एंड इट ब्रेक्स इनटू ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट इन बक्कल कैविटी एंड इट इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सलाइवरी अमाइलेज फंक्शन एट 6.8 pH, वेयर एज रेस्ट ऑफ द यू नो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फंक्शन एट अबाउट 7.8 pH, बाकी सब 7 से ऊपर pH पे काम करते। ओके ठीक है बच्चों, आगे चलें? यस मैम। चलिए यस मैम, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। Starts in stomach, completed in small intestine। ठीक है जी, तो stomach में जो है क्या हो रहा है, proteins, इस पे कौन एक्ट कर रहा है, मेनली अगर हम बात करें पेप्सिन, पीएच है 1.8 एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ यू नो पेप्टाइड्स। व्हाट आर पेप्टाइड्स, दैट इज स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट, पेप्टाइड्स एंड peptones, these are you know unbranched chain of amino acids, these are branched chain of amino acids, right? ठीक है जी, then next आ जाता है pepsin, कहाँ पे है, stomach में, उसके बाद proteins, peptides and peptones, these are acted upon by again trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase, पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स है, तीनों के तीन प्रोटीएजेस है, ठीक है, और ये इन सब को तोड़कर क्या बना रहे हैं, डायपेप्टाइड्स प्लस स्मॉल पेप्टाइड्स, डायपेप्टाइड मतलब दो अमीनो एसिड्स जो ज्वाइंट है,
ठीक है जी। और इनको फिर किसने एक्ट किया? अमीनोपेप्टाइडेज, डायपेप्टाइडेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। And it results in formation of amino acids. So, digestion of proteins start in, you know, stomach and is completed in small intestine. Is it okay? Next, हम आ जाते हैं digestion of fats. और यहां पे जो मेन आपने लिखना है फैट्स या लिपिड्स, सो राइट डाउन पेनक्रियाटिक लाइपेज इज द मेन, इज द चीफ लाइपेज, इज द चीफ लाइपेज। ठीक है जी। इफ पेनक्रियाज गेट्स इंजर्ड या कुछ भी हो गया, गेट्स इंजर्ड एंड नो पेनक्रियाटिक लाइपेज, देन लिपिड्स विल नॉट बी डाइजेस्टेड। फैट्स या हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ये ग्लिसरोल है, इसके साथ तीन फैटी एसिड है, तीन फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। इस पे एक्ट किया पेनक्रियाटिक लाइपेज, अगेन पीएच 7.6 to 7.8। इट सेपरेट्स वन ऑफ द फैटी एसिड वन प्लस डायग्लिसराइड, अगेन पेनक्रियाटिक लाइपेज, फैटी एसिड टू इस पे एक्ट किया, किस पे, इस पे, प्लस मोनोग्लिसराइड, और जब इस पे फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज ने एक्ट किया तो तीसरा फैटी एसिड भी निकल गया, सिर्फ क्या रह गया, ग्लिसरॉल। तो अगर फैट्स डाइजेस्ट होते हैं they form three fatty acids plus glycerol. Digestion of fats occurs only in small intestine by pancreatic lipase. Digestion of fats occur in small intestine only with the help of pancreatic lipase. ठीक है, तो यहां पे लिख लेना with the help of pancreatic lipase and इंटेस्टाइनल, ये दो स्टेप्स तो पेनक्रियाटिक लाइपेस कर देते हैं, उसके बाद मेन आ जाता है इंटेस्टाइनल लाइपेस विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेस एंड इंटेस्टाइनल लाइपेस।
इज इट ओके? ठीक है, ये याद रखना है. पेनक्रियाटिक लाइपेस तक डायग्लिसराइड तक बना और उसके बाद आ गया इंटेस्टाइनल लाइपेस. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, यहां पे क्या है कि हेयर डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए गेट्स चेंज्ड इनटू इट्स ब्रोकन डाउन इनटू यू कैन से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. राइट, उसके बाद आरएनए आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, एक चीज ठीक कर लो बेटा, न्यूक्लियोटाइडेजेस जो है दे आर सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल जूस नॉट बाय पेनक्रियाटिक जूस. ऑल्दो आपकी बुक में दोनों जगह लिखा हुआ है, ठीक है, या हम दोनों जगह हम कह सकते हैं सक्कस एंटेरिकस पेनक्रियाटिक जूस में भी रहने दो और उसके बाद सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस में लिख लो न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस बोथ. ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है. उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, इस पे है एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेजेस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस चेंजेस इनटू न्यूक्लियोसाइट. और इसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स पे इंटेस्टाइनल न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये न्यूक्लियोटाइड्स टूट के यहां पे लिख लिया न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड भी कर लेना और फिर न्यूक्लियोसाइड्स जो है ये टूटते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन या यूरेसिन. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन. ठीक है, तो रिमेंबर दैट, अब पॉइंट्स लिख लो. Digestion is completed in duodenum of small intestine. Digestion is completed in duodenum of small intestine. The simple absorbable food particles. The simple absorbable food particles are passed to jejunum and ileum for absorption. Next point aa jaiye, the undigested and unabsorbed substances, jo food pass hua hai jejunum ileum mein उसमें बहुत सारे अनडाइजेस्टेड फूड भी है, बहुत कुछ डाइजेस्ट भी हो गए बट एब्सॉर्ब नहीं हुए. द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन.
इन द लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन लार्ज इंटेस्टाइन absorption of water, some minerals and some drugs. Absorption of some minerals, some water and some drugs occurs. Second hai, large intestine secretes mucus. विच एडियर्स, साथ में चिपका देते हैं, विच एडियर्स द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स. एडियर्स मीन्स एक दूसरे के साथ जोड़ना. विच एडियर्स द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एंड कन्वर्ट्स इट इंटू फीसेस. और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, जो म्यूकस है, म्यूकस ऑल्सो लुब्रिकेट्स, लुब्रिकेट्स द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. म्यूकस ऑल्सो लुब्रिकेट्स द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस फॉर इजी पैसेज ऑफ फीसेस, फॉर इजी पैसेज ऑफ फीसेस. Backflow of feces या undigested food. Backflow of feces or undigested food into small intestine is prevented by ileocecal valve. Ileocecal valve. Repeat that, ma'am. The backflow of undigested food into small intestine, ileum or cecum ke beech mein jo valve hai, is prevented by ileocecal valve. Feces are temporarily stored. Feces जो है, these are temporarily stored in rectum. And is passed out through anus. और remember that बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को यह लगता है कि maximum absorption of water occurs in large intestine. नहीं, large intestine में तो सिर्फ जो waste products है उनमें से water absorb होता है. Maximum water is absorbed in small intestine only. ठीक है जी, तो absorption क्या है, जल्दी से हम कर लें फटाफट. Absorption क्या है, passing of digested food from small intestine into blood or lymph. Passing of digested food from small intestine into blood or lymph. Maximum food तो blood में जाता है, लिम्फ में क्या जाता है, डाइजेस्टेड फैट्स एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स. लिम्फ कहां पे प्रेजेंट है, ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पे विल्लाई है, तो यहां पे
लिम्फ वेसल्स है कॉल्ड एज लैक्टील्स. सो फैट्स एंड फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड इन द लिम्फ ऑफ लैक्टील्स. और यहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी है, ब्लड कैपिलरीज भी है, बाकी सब चीजें इन ब्लड कैपिलरीज में जाती है. ठीक है जी. तो अब हम लिख लें जल्दी से, अब पॉइंट्स लिख लो. स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्लोराइड आयंस, थोड़े अमाउंट में ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स जो है, ज्यादा नहीं, आर एब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन. स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्लोराइड आयंस आर एब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन. सेकेंड पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स, एनर्जी नहीं, विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, हमने ये किया है इसलिए आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स. Absorption of water in small intestine by osmosis. By osmosis. Next है, small amount of amino acids, glucose, and maximum of sodium absorbed by active transport. So glucose and amino acids jo hai wo simple diffusion, second hai facilitated transport, teesra hai active transport, sabhi se absorb ho raha hai, but maximum absorption kisse hai, by facilitated transport. Next hai fatty acids and glycerol being water insoluble are not absorbed in blood. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, फैटी एसिड्स कंबाइन विद फॉस्फोलिपिड्स, फैटी एसिड्स दे कंबाइन विद बाइल सॉल्ट्स टू फॉर्म माइसिल्स. बाइल सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म micelles which move in the intestinal cells, which move in the intestinal cells. ये intestinal cells है और ये है micelles. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स, थोड़ा सा और हम बात कर लें, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स, इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स दे गेट कोटेड बाय स्मॉल प्रोटीन्स, दे गेट coated by
small protein layer to form chylomicrons. Chylomicrons. Chylomicrons क्या है? ध्यान से मेरी. These are fatty acids joined with glycerol, surrounded by protein layer. Chylomicrons are fatty acids combined with glycerol, surrounded by protein coat. And these chylomicrons are then transported to lactates. दोबारा से मैं बता रही हूं कि सबसे पहले इन इंटेस्टिनल ल्यूमन फैटी एसिड्स है प्लस ग्लिसरोल है. ये फैटी एसिड्स है, ये लेटर से ग्लिसरोल है. फैटी एसिड्स कंबाइन विथ बाइल सॉल्ट्स. ये है म्यूकोसल सेल. यहां पे बीच में है फैटी एसिड, ये है बाइल सॉल्ट और ग्लिसरोल भी यहां पे आ गया. देन दीज माइसिल्स, ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया? माइसिल्स. इन्होंने फैटी एसिड्स अलग हो गए और बाइल सॉल्ट्स फिर बाहर चले गए. दे कंबाइन विद ग्लिसरोल and get surrounded by protein layer to form chylomicron. ठीक है जी. And these chylomicrons are absorbed, are transported into lacteals, the lymph vessels, which ultimately release. Lymph vessels ultimately release the absorbed substances into blood vessels. The lymph vessels ultimately release the absorbed substances into blood vessels. Next point, through blood, these absorbed substances reaches the cells and tissues. Reaches the cells and tissues where these are used for various processes. Where these are used for various processes, and the process is called as assimilation. And the process is called as assimilation. Is it okay? So this is all about your digestion. ठीक है जी.